आखिरकार शिव ठाकरे ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए साजिद खान को घर से बेघर होने से क्यों नहीं बचाया है? जी हां, आखिर साजिद खान ने शिव ठाकरे के साथ ऐसा क्या कर दिया है कि शिव अब साजिद खान से ज्यादातर बात करते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं? जी हां, बिग बॉस के घर के अंदर बिग बॉस ने जो शिव को कैप्टेंसी के तौर पर अब तक की सबसे बड़ी पावर दे दी है, जिसका इस्तेमाल करके शिव ठाकरे 3 कंटेस्टेंट को सीधा सीधा नॉमिनेशन से बचा सकते हैं। इन तीनों में आखिर ऐसा क्या हो गया है कि शिव ने साजिद खान का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया? जी हां, शिव ने यह भी नहीं सोचा कि साजिद खान इस बार घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हैं, तो मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अभी इसी वक्त साजिद को बचा सकता हूं। लेकिन शिव ठाकरे ने तो साजिद खान को छोड़कर किसी और ही 3 कंटेस्टेंट का नाम ले लिया है। ऐसे में आखिर क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि बिग बॉस ने जैसे ही ये फैसला सुनाया कि शिव ठाकरे घर के नए कैप्टन हैं, इसलिए शिव को ये पावर मिलती है कि वो 3 सदस्यों को सीधा सीधा घर से बेघर होने से बचा सकते हैं, जिसमें शिव ने ना आव देखा ना ताव, शिव ने बिल्कुल भी नहीं सोचा और सीधे सीधे निमृत कौर आलूवालिया, MC स्टैन और अब्दुल रोजी खान का नाम ले लिया। जैसे ही तीनों का नाम शिव ने लिया, साजिद खान को देखते ही रह गए। साजिद खान ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि शिव ने मेरा नाम ले लिया, जबकि मैं तो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो चुका हूं। ऐसे में अब आपको बता दें कि इसकी बड़ी वजह सामने आ चुकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिव ठाकरे ने मंडली के ही 3 सदस्यों को नॉमिनेशन से बचाया है, जबकि साजिद खान तो मंडली के सबसे बड़े सदस्य हैं, सबसे पुराने सदस्य हैं। तो इसके पीछे का कारण निमृत कौर आलूवालिया बताया जा रहा है। जिस तरह से साजिद खान निमृत कौर आलूवालिया और अब्दू के रिश्ते को तोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं, जिस तरह से साजिद खान ने अब्दू रोजी खान को निमृत कौर आलूवालिया के खिलाफ भड़काया है और ये भी कहते हुए नजर आए कि तुम्हें निमृत कौर से दूर रहना चाहिए, तुम्हें उससे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे में खबरों की माने तो यही बड़ी वजह है कि शिव ठाकरे ने अब साजिद खान को नहीं बचाया है। कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि शिव ठाकरे किस तरह से साजिद खान पर चिल्लाते हुए नजर आए थे जब मटकी वाला टास्क हुआ था। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि शिव ठाकरे साजिद खान को कुछ ज्यादा पसंद करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने साजिद खान को छोड़कर निमृत कौर आलूवालिया का नाम ले लिया, MC स्टैन का नाम ले लिया और साथ ही साथ अब्दुल रोजी खान का नाम ले लिया है। ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अब इस तीनों नाम के बाद शिव ठाकरे, साजिद खान शिव ठाकरे से ज्यादा बात करते हुए नजर आएंगे या नहीं, या फिर कहीं साजिद खान मंडली को ही तो नहीं छोड़ देंगे। ऐसे में आपको क्या लग रहा है हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।